Assalamualaikum guys, this is Sirkan, welcome back to my YouTube channel. तो भाई साहब मैं अभी उठा हूँ नींद से, हम सो रहे मतलब जाग के, और ये मैडम अभी तक सो रहे हैं। वैसे बोलो तो ये अभी सोई है और हम अभी उठे हैं, पूरी रात हम जाग रहे थे। ये पूरी रात जागती है और इस टाइम ये ऐसे सुकून से सोती है और हम भी जागते हैं। फिर इनका सोने का टाइम है, हमारे जागने का टाइम है, इनके जागने का टाइम है, सोने का। तो कुछ दिनों से मेरे लिए नाश्ता नहीं बच रहा, तो इसलिए मैं आज जल्दी उठाऊँ और अपने लिए खुद चाय बनाऊँगा। वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने लिए खुद चाय बनाऊँ। तो अभी हम चलते हैं किचन में, अपने लिए अच्छी सी प्यारी सी चाय बनाते हैं और उसे पीते हैं। अगर अच्छी हुई तो पियेंगे, नहीं तो फिर है घर में बहुत लोग जनप है ना, उसे दे देंगे। पता नहीं किचन में कैसे बैठे हैं, मेरे तो गर्मी से जान निकल रही है। यहाँ पे जो फैन भी बंद है, मतलब लाइट आपको पता है चलती ही नहीं है। 5 मिनट चली 10 मिनट बाद गई। और ये हमारे चाय अभी बॉयल हो चुका है और ये 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें चलेंगे, चाय की पत्ती और चीनी और इसके अलावा नमक थोड़ा लगेगा इसमें, जरूरत जो होता है। ओए 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 भाई, ब्लॉक के चक्कर में दूध गिर जाता, अब शगुन हो जाता और फिर अम्मियाँ मुझे छितरी मारती। इसमें चीनी डाला हमने और अभी हम पत्ती डालेंगे, जल्दी करो, हम इसमें आप ही का हेल्प ले रहे हैं और हमारी आप ही हमें ही तंग कर रही है। ये रहा हमारा चाय बन गया, हम ऐड करते जा रहे हैं। अभी हम इसे निकालेंगे अपने कप्स में जो साइड हो जाए, ये रहे कप, इनमें निकालेंगे और फिर हम इन्हें पियेंगे। सो गाइस ये रही मेरी चाय, मैं इसे पीता हूँ और हम करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो भाई आज मेरे पास एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, मैं खा लूँ। आज मेरे पास एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, जबार का एडमिशन करवाना था, जो कल मैंने पिक्चर क्लिक करवाई थी, अपने आपके साथ शेयर किया। तो आज मैंने वो स्कूल में जमा करवानी थी और जबार का एडमिशन करवाना था 6th क्लास में। लेकिन भाई जबार ने क्या किया, वो अम्मी के साथ निकल गया बाजार। तो मतलब कि बने बनाए प्लान पे, बने बनाए मेरे ब्लॉग को ऐसे छोड़ के मतलब कि चला गया। मेरे को तो इतना गुस्सा है, वो सारा गुस्सा मैं गर्मी बहुत ज्यादा है स्पीड से निकाल रहा हूं। आपको पता कुछ चीजें कभी सीधी और साफ नहीं हो सकती, जैसे मैं जबार और ये हमारा शीशा, ये कभी भी साफ नहीं हो सकता। खैर तो जब यहाँ से चला गया है तो अभी मैंने करने अपने कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको दिख भी रहा होगा मेरे बोलने से, कपड़ों से लग रहा होगा। तो मैं कपड़े चेंज करके आपसे ज्यादा बात करता हूँ। तो भाई हमने कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, अभी हमने जाना है आयुर्वेद ऑफिस। मैंने कल भी बोला था कि हाथ को पीछे रखना है, लेकिन मेरा हाथ है भाई रुकता ही नहीं है, तो मेरे बाल थोड़े गीले हैं अभी तक। अभी मैंने जाना है ऑफिस। ये बंदा बार बार मेरी बाइक के चढ़ता है, तकरीबन 2 से 3 बार इसने मेरी बाइक गिराई है। तो अभी हमने जाना है ऑफिस, फरहान के पास भी जाऊंगा, शायद रुकूं या ना रुकूं, अगर रुका तो मैं ब्लॉग भरूंगा, नहीं रुका तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करता हूं। मेरे हाथ को पता नहीं क्या बीमारी है, जितनी कोशिश करूं पीछे, लेकिन 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो फिर से आगे हो जाता है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, जबार भी यहाँ पे नहीं है, जैनब भी यहाँ पे नहीं है, तो मैं भी सुबह से यहाँ पे बोर हो गया हूँ। तो बाहर चले भाई, फरहान को तंग करें या ऑफिस पे जाए, थोड़ा काम वाम करें। मेरे डेली रूटीन में आपने ये तो देखा होगा कि मुझे क्या क्या काम होते हैं, आयुर्वेद ऑफिस जाना होता है 2 बजे के बाद, और उससे पहले जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ। तो अभी हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं। मैं आ गया हूँ आयुर्वेद अपने ऑफिस पे। तो आज का मौसम बड़ा औसम है, वो तो रोज ही होता है, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा ही मौसम बन जाए। मैं आपको बाहर दिखा रहा हूँ सब कुछ। तकरीबन 5-10 मिनट बाद मेरे हिसाब से बारिश होगी, 10 मिनट आधा घंटा क्या ज्यादा से ज्यादा घंटे के अंदर बारिश लाजमी होगी। ज्यादा मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रहा हूँ। ये आप बादल देख सकते हैं कि कितना मतलब के मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो हवाएं भी चल रही हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं एक अकेला नहीं हूँ जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे बैक पे भी काफ़ी लोग हैं जो इस मतलब कि इस मौसम को लाजमी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग्स में, ये देखिए सारे लोग जो है ना वो इस बादल को कैप्चर कर रहे हैं, ये मेरी तरह कोई स्टार ही था। कोई
कुछ टाइम से खुदा पाक हम पे बहुत ज़्यादा ही मेहरबानी, ये बारिशें रुकी नहीं रही। वैसे सखन में काफ़ी कम ही बारिश होती, लेकिन इस बार हर दूसरे और तीसरे दिन बारिश हो रही मेरे हाथ में, दूसरे और तीसरे दिन बारिश हो रही है। बस अल्लाह पाक अपना नाम गर्म रखे, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन बारिश के मौसम में अगर पकौड़ा समोसा हो जाए ना तो कसम से क्या ही बात हो जाएगी। पर भाई साहब यहाँ पे ऑफिस में एक तो पकौड़े समोसे का कोई सिस्टम या सीन ही नहीं है, और दूसरा उसके अलावा अगर कहीं से मिल भी जाए तो मंगवा लूँ, लेकिन भाई रेहड़ियों पे मिलेंगे तो, और इस मौसम में रेहड़ियाँ भी बंद होगी। रेहड़ियाँ क्या, अब तो बारिश हो रही है, आधे से ज़्यादा शॉप भी बंद करके लोग जा रहे हैं अपने घर। तो वेट करें, बारिश थोड़ा कम हो जाए तो देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। यार मेरे ब्लॉग में खाना पीना बहुत ज़्यादा होता है, ये आपने भी नोट किया होगा। ओ भाई फाइनली 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 मौसम अच्छा है और मुझे मौका मिल गया। भाई ने खुद बोला है कि जाओ समोसा ले आओ, तो अभी मैं जाऊँगा समोसा लेने, क्योंकि इस मौसम में समोसे पकौड़े खाने का बड़ा ही मन करता है। तो अभी मैं जाऊँगा, फरहान के पास तो नहीं जा पाऊँगा, समोसे लेने जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि उसको भी दे आऊँ। लेकिन भाई वाले यहाँ पे मुश्किल ही फरहान के पास जाऊँ, लेकिन ट्राई करूँगा क्योंकि मैं खाऊँ अकेला और मैं दोस्त ना खाए मुझसे ना हो पाएगा। बारिश जैसे ही थोड़ी कम हुई तो हम वहाँ से निकल के ऑफिस से भागे समोसे के स्टॉल पे, क्योंकि भाई मुझे तो पहले से ही दिल था, क्योंकि बारिश जब हो समोसे पकौड़े ना हो तो आई थिंक बारिश का मज़ा ही वो नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग के समोसे के स्टॉल पे, और ये बन रहे हैं हमारे गरम गरम समोसे, ये लेके मैं जाऊँगा अपने ऑफिस से। मैंने कुछ एक्स्ट्रा समोसों का ऑर्डर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि बारिश का मौसम है, फरहान के पास बैग नहीं होगा तो मैं उसके लिए भी लेके चलूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा समोसे का ऑर्डर दिया है जो हमारे लिए और भी बन रहे हैं अलग शॉपर में। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, ये लो, ये मैं लाया फरहान के लिए स्पेशली, मुझे देर हो रही है फिर भी मैं उसके लिए लाया, और वो बंदा खुद भी नहीं आया, अपने दोस्त को भेजा है, अपने भाई को, सॉरी भाई को, जाके फरहान को देना और बोलना कि ये व्लॉग में आएगा और सारे जो उसके व्यूअर्स हैं ना वो उसे खफा होंगे, स्पेशली मैं खफा हूँ जैसे उससे। मैं अपने भाई वालों को छोड़ के इसके पीछे आया और ये बंदा खुद भी नहीं आया। मैं जा रहा हूँ, मेरे को देर हो रही है, ऊपर से पानी देखो, चल भागो अभी। रहे समोसे भाई वालों को मैंने दे दिया है। आज मैं फरहान से मतलब कि सच में अगर इतबार करें दिल से मतलब कि मुझे बहुत ही हर्ट हुआ है, क्योंकि भाई वालों ने मुझे दो बार कॉल की लेकिन मैं फिर भी फरहान के लिए मतलब कि समोसे लेके गया। मैंने बोला कि मौसम अच्छा है, मैं भी इंजॉय करूंगा तो वो भी इंजॉय करे बेचारा, मतलब कि उसके पास बाइक नहीं होती, फिर भी मैंने उसका सोचा, मैंने उसको कॉल की, मेरे पास भाई ने दो बार कॉल की लेकिन फिर भी मैंने उसे बोला कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा आ गया ना, एक मिनट का फासला था, और यहाँ से लेके मतलब कि जहाँ से मैं गया फरहान के पास तकरीबन से 8 मिनट का फासला है, लेकिन मैं फिर भी उसके पास गया और उस बंदे ने क्या किया, नहीं आया। यहाँ पे गर्मी है फिर मैं इसलिए आप यहाँ पे बैठा हूँ, और बाहर मौसम अच्छा है, मैं बाहर चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैंने फरहान को बोला और वो नहीं आया, मतलब मुझे अंदर से आज जो हो रहा है, आज फीलिंग बिल्कुल सैड आ रही है। खैर इस बात को छोड़ो, मैं अपना समोसा एंजॉय करता हूँ, बाहर मौसम भी अच्छा है। ये रहा प्यारा मौसम, बरसात हो रही है, ये रहा मेरा समोसा, लेकिन मैं हूँ इस वक्त सैड। फरहान के पास गया, जो हुआ आपने देखा, आप ही बता दें कमेंट सेक्शन में, गलत किया ना उसने मेरे साथ। मेरे पास भाई के दो बार कॉल आए हैं, बहुत ही गलत किया है, मैं दिल भी नहीं कर पाया, मैंने एकदम खाने का भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ना सच्चा दोस्त होता है ना उसके साथ खाने का मज़ा ही अपना होता है। ज़्यादा आप मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, मेरा तो दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी फरहान के पास जाने का, तो मतलब ये टाइम है व्लॉग को ख़त्म करने का। आज मैं सच में दिल से हर्ट हुआ हूँ। तो मिलते हैं सुबह एक न्यू व्लॉग में, एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। होप यू गाइस डूइंग एंजॉयिंग माय व्लॉग्स।